हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अप्डेट्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर शो पंड्या स्टोर के बारे में। आजकल सीरियल की टीआरपी में हमें डिक्रीजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं सीरियल में आई थी एक जनरेशन लीप। जनरेशन लीप के बाद हमें कुछ नई एंट्रीज़ सीरियल में आते हुए नज़र आई थी। उन्हीं नई एंट्रीज़ में से कुछ कास्ट मेंबर्स हैं जो कि अब सीरियल को छोड़ के जाने वाले हैं, जो कि सीरियल को एग्जिट करके जाने वाले हैं। आइए जान लेते हैं वो कौन है और वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं सीरियल को। सबसे पहले हैं साहिल उपल, जो कि सीरियल में चिक्कू का रोल प्ले कर रहे थे, जो कि मेन कैरेक्टर्स में से ही एक था। सीरियल को एग्जिट कर रहे हैं। इनका ये जो फैसला है वो इसलिए लिया गया है, स्टार्टिंग में जब इन्होंने ज्वाइन करा था तो सब सही चल रहा था, लेकिन आगे चलकर इनका जो स्क्रीन टाइम है वो कम कर दिया गया। इनके हिसाब से जितनी एक्सपेक्टेशन रख रहे थे एक कैरेक्टर से, उतना ज़्यादा डेवलप नहीं करा गया, उतना स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया इनको। और ये चीज़ उन्होंने खुद नोटिस करी और वो इस चीज़ को मानते थे कि सीरियल हमेशा एक ही कैरेक्टर पे तो फोकस नहीं कर रख सकता, तो इसी करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा और वेट करा कि मेकर्स इनके कैरेक्टर चीकू को भी हाईलाइट करेंगे। लेकिन काफ़ी पेशेंस रखने के बाद भी इनका स्क्रीन टाइम जब इम्प्रूव नहीं हुआ, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया इनको सीरियल के एपिसोड्स में, इन्होंने डिसीजन ले लिया कि सीरियल को एग्जिट करना ही सही रहेगा। अब अगले कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, तो वह सुरभि दास भी इस सीरियल को एग्जिट करने वाली हैं, जिन्होंने इनको रिसेंटली ही लॉन्च करा था, यानी कि नई एंट्रीज में से एक थी ये। तो गाइज़ इनका जो रीज़न है वो ये है, क्रिएटिव डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि ये सेटिस्फाइड नहीं है अपने कैरेक्टर ग्राफ को लेकर और कैरेक्टर को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था उसको लेकर। जब स्टार्टिंग में इनको प्रॉमिस किया गया था कि ये पैरेलल लीड हैं सीरियल में, और जब इनकी एंट्री भी हुई थी इनको सीन्स करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, और ये लगा था कि कैरेक्टर को जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया गया है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी आगे चलकर, पैरेलल लीड के तौर पर रखा जाएगा सीरियल में, तो ये सब इनको लग रहा था। लेकिन जैसे ही मकवाना हाउस में इनकी एंट्री हुई, कुछ खास हुआ नहीं इनके कैरेक्टर के साथ ज़्यादा, एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल ना के बराबर ही हो गया इनका कैरेक्टर, ऐसा इनका कहना है। कुछ एपिसोड्स ऐसे भी आते थे जहाँ पर सुरभि दास का जो कैरेक्टर था उसको दिखाया भी नहीं जाता था, तो वो चीज़ सुरभि दास को खुद भी अच्छी नहीं लगती थी, और यही भी एक सेम तरह का रीज़न हो गया कि स्क्रीन टाइम इनको भी उतना नहीं मिल रहा था साहिल उपल के जैसा। ये एक इनका भी रीज़न है। एक और रीज़न भी है इनका सिलू एग्जिट करने का, वो ये है कि इनको नेगेटिव शेड प्ले करवा रहे थे और इन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर प्ले नहीं करना था। ये तो सीरियल में पॉजिटिव पैरेलल लीड प्ले करना चाहती थी, बट नेगेटिव कैरेक्टर इस तरह का प्ले नहीं करना चाहती। ये इनके जो हैं दो मेन रीजंस हैं कि कैरेक्टर ग्राफ भी पसंद नहीं आ रहा था, ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा था कैरेक्टर, स्क्रीन टाइम नहीं था, एंड ऑल्सो नेगेटिव कैरेक्टर भी उनको नहीं प्ले करना था। तो ये जो दो रीजंस हैं दो एक्टर्स के, दोनों के वैलिड रीजंस हैं ऑफकोर्स उनकी तरफ से, और दोनों ही सीरियल को एग्जिट कर दिए हैं। ये रीजंस जो हैं इनके साथ इन्होंने डिसीजन ले लिए हैं। अब आने वाले टाइम में इनके कैरेक्टर्स के साथ क्या डिसीजन लिए जाएंगे, क्या रिप्लेसमेंट करी जाएगी या गायब कर दिए जाएंगे, जो भी अपडेट होगा डेफिनेटली आपको बताऊंगा। कमेंट्स में बताइए दोनों एक्टर्स को आप इस सीरियल में मिस करेंगे या फिर नहीं, इनके डिसीजंस पर आपकी क्या राय है, और पंड्या स्टोर की सारी अपकमिंग न्यूज़ सारी डिटेल्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे और इसके आने वाले और फॉलोइंग डिटेल्स भी आप तक पहुँचती रहें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।